हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास सेवेंथ हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बच्चों मुगल साम्राज्य। किसके बारे में पढ़ना है? तो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। और ये जो वीडियो होगा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। इससे पहले दो वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उनको जा करके हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा क्लास सेवेंथ हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जितने भी हिस्ट्री के वीडियोज हैं क्लास सेवेंथ के, वो सब के सब एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो वो जा करके मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा क्लास सेवेंथ का प्लेलिस्ट बना होगा हिस्ट्री का, उसमें जा करके इस वीडियोस को देख सकते हैं। और इससे पहले जो तीन चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के वीडियो भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो होगा ये तीसरा वीडियो होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और अकबर के समय में जो मनसबदारी व्यवस्था था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी वीडियो वन और वीडियो टू में, बहुत सारी जो है वो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, उसके स्थापना करने वाले जो राजा थे वो कौन थे, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि शेरशाह सूरी कौन थे और शेरशाह सूरी का जो शासन व्यवस्था था वो किस प्रकार का था और वो किस क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा कि अकबर जो है वो किस प्रकार का राजा था और कैसे वो शासन व्यवस्था चलाता था और किस परिस्थिति में वो शासक बना। मात्र 13 वर्ष के उम्र में अकबर जो है वो क्या बना था? शासक बना था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने ये भी देखा था कि अकबर जो था वो राजपूतों को क्या बनाने की कोशिश में था? अमीर बनाने की कोशिश में था। अब ये सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि अमीर का मतलब क्या होता है। तो अमीर का मतलब होता था जो राजा के अंतर्गत जो काम करने वाले कर्मचारी होते थे उनको क्या बोलते थे बच्चों? तो अमीर बोलते थे, ठीक है। अब देखो, हमें एक नई चीज़ के बारे में सीखना है और जो क्या है? मनसबदार। ये एक वर्ड है जिसका क्या नाम है? मनसबदार। तो हम लोग क्या सीखेंगे इस वीडियो में कि मनसबदार का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुगल प्रशासन एवं मनसबदार, यानी कि मुगल प्रशासन किस प्रकार का था और ये मनसबदार कौन थे और ये मनसबदारी व्यवस्था क्या था और इसको लागू किसने किया था, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में सीखेंगे बच्चों। तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लिंक को शेयर करना है। और साथ ही साथ जब आप स्कूल में जाइएगा तो अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को अपने साथियों को ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको हेल्प करने के लिए ये वीडियोस को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये वीडियोस कम से कम उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये अगर आपको आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को उन बच्चों के साथ ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है कि मुगल साम्राज्य एवं प्रशासन की नींव अकबर ने सुदृढ़ की थी। हम लोगों ने तो देखा ही था कि 1527-1526 में युद्ध होता है, 1527-1528-1529 और 1530 तक जो है जो बाबर है वो क्या करता है? इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया था, कब? 1526 में। उसके बाद बाबर यहाँ पे दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और उसके बाद उसको निरंतर जो है वो युद्ध करना पड़ता है, यहाँ के जो लोकल राजा थे उनके साथ बाबर को क्या करना पड़ता है? युद्ध लड़ना पड़ता है। और ऐसे करते करते क्या बोलता है, 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा जो है हुमायूं वो क्या बनता है? वो शासक बनता है। क्या बोलता है बच्चों? हुमायूं जो है वो अगला शासक बनता है बाबर के बाद, लेकिन हुमायूं को खदेड़ करके ईरान भगा देता है कौन? शेरशाह सूरी। हम लोगों ने पढ़ा था कि शेरशाह सूरी जो है वो क्या कर देता है, शेरशाह जो है वो क्या करता है, हुमायूं को जौनपुर और चौसा के युद्ध में हराता है और इस प्रकार उसको भागना पड़ता है दिल्ली छोड़ करके। हुमायूं को कहाँ भागना पड़ता है? ईरान जाकर के वो शरण लेता है। कहाँ शरण लेता है बच्चों? ईरान में जाकर के हुमायूं जो है वो शरण लेता है, जब तक कि शेरशाह यहाँ पे मजबूत है। जब शेरशाह की मृत्यु होती है इसके बाद इसके उत्तराधिकारी जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो कहाँ पर आते हैं? दिल्ली में। पुनः ईरान के शासकों के द्वारा समर्थन से वो लोग सहयोग करते हैं दिल्ली में सत्ता को कब्जाने के लिए हुमायूं को, और हुमायूं जो है वो फिर से दिल्ली का शासक बनता है, लेकिन फिर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है तुरंत ही, लगभग 1555 में इसकी क्या हो जाती है? सीढ़ी से गिर करके मृत्यु हो जाता है हुमायूं का। उसके बाद उसका बेटा जो है अकबर, जो कि मात्र 13 वर्ष का था उस समय, वो क्या बनता है? इसका शासक बनता है, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद अब देखो, जब ये अकबर क्या बनता है? शासक बना अकबर। तो इसका जो
क्या बोलते हैं कि जब ये शासक बना और जब ये बड़ा हुआ तो इसने क्या किया कि मुगल साम्राज्य को इसने सुदृढ़ किया। क्या किया? मुगल प्रशासन की जो नींव है वो किसने सुदृढ़ किया, मजबूत किया? तो अकबर ने किया। और उसी के पास समय और शक्ति दोनों थी। तो जो उसी के पास, यानी उसी के पास मतलब किसी के पास, अकबर के पास क्या था? समय भी था और साथ ही साथ शक्ति भी था जिसके कारण वो ऐसा कर पाया। यानी कि मुगल साम्राज्य को अगर सही मायने में कोई राजा इस्टेब्लिश अच्छे तरीके से दिल्ली के ऊपर कर पाया तो वो कौन था? तो वो था अकबर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और अकबर जो है वो शासक कब बनता है? तो 1556 में बनता है। कौन बनता है बच्चों? 1556 में अकबर क्या बनता है? शासक बनता है। और ये उस समय मात्र कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का था। और आगे आगे देखा जाए तो 1605 आते आते क्या हो जाता है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़े हैं अकबर के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उन वीडियोज़ को तो पहले जा करके उस वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेगा तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। और जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ऐसा देखा जाता है कि जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सिर्फ देखते हैं और बस हो गया, क्वेश्चन आंसर देख लिए, उसको रट लिए और जा करके एग्ज़ाम में लिख दिए। बच्चों ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा। आपको बुक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जितने भी बुक्स हैं उनको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन आंसर तो खुद ब खुद लिख दीजिएगा। अगर जितने भी चीज़ें हैं जो बुक्स हैं वो अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन इसी से ना पूछा जाता है, ये जाँचने के लिए पूछा जाता है कि आपने इस बुक को किस प्रकार से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो यही पता करने के लिए किया जाता है कि आपने इससे कितनी जानकारियाँ हासिल की हैं। तो बुक किस लिए दिया जाता है? पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बुक्स भी पढ़ना है। और आपके लिए इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है? आपको ये बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब देखो, और अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो रहा है, अगर जब भी पढ़ाएं यहाँ पे तो कोई भी अगर कोई दिक्कत होता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। हम सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए वीडियो के नीचे और वहाँ पर लिख दीजिए, हम उसका क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे शुरुआत करते हैं और पढ़ना आगे जारी रखते हैं। तो देखो क्या करा है कि अब ये अकबर क्यों कर पा रहा था, अपना जो मुगल साम्राज्य था उसको सुदृढ़ क्यों कर पाया, क्योंकि उसके पास क्या था? समय भी था। और समय के साथ साथ और क्या था? तो समय के साथ और उसके पास क्या था? तो शक्ति भी थी। और राज्य में मौजूद गाँवों और शहरों का प्रशासन पहले ही जैसा रहा। अब देखो, अकबर ने देखा कि भाई पहले से जो सल्तनत व्यवस्था में जो चली आ रही थी, और अब बात कीजिएगा कि सल्तनत क्या है, तो सल्तनत व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम लोगों ने सल्तनत व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जिसको तुर्क अफगान शासन भी बोलते हैं, जिसमें 5 राजवंशों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अगर नहीं देखें तो उस वीडियोज़ को जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लीजिए। अब देखो क्या कह रहा है कि राज्य में जो मौजूद गांवों और शहरों का प्रशासन था वो पहले जैसा ही रहा। पहले जैसा रहने का मतलब क्या है कि सल्तनत काल में जो था, सल्तनत काल में जिस प्रकार से यहाँ की जो शासन व्यवस्था गांवों और शहरों की थी, उसी प्रकार का शासन व्यवस्था इन्होंने छोड़ा, कहा कि ठीक है वही व्यवस्था चलेगा। अकबर ने किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में लागू किया, इसकी जानकारी उसके दरबार में रहने वाले अबुल फजल की रचना अकबरनामा और आईने अकबरी से मिलती है। तो देखो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो याद रखने लायक है। पहला बात क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि अकबर के समय में जो गांवों और शहरों में जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसको तो एज इट इज ही छोड़ दिया। एज इट इज छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि पहले जैसा ही जो सल्तनत काल से चला आ रहा था उसी को रखा। ठीक है, आगे क्या करा है कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो वो अपने राज्य में किस प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगा? खुद अकबर तो आएगा नहीं बताने कि भाई हम इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाते थे, देखो हम बता रहे हैं। अकबर तो जीवित है नहीं, अकबर तो मर गया। अकबर के समय में सेना जो अधिकारी होते थे वो सभी मर गए, वो सभी निपट गए। तो अब सभी लोग कोई है ही नहीं है बताने के लिए, तो फिर पता कैसे चलेगा? तो पता चलता है बच्चों, हम लोग पढ़े थे ना, क्या बोल पढ़े थे, लिटरेरी सोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत। क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ? साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब हुआ कि जो किताबें लिखी गई थी उस समय, कुछ शिलालेख लिखा गया होगा अकबर के समय में,
अकबर के समय में कुछ अब हम लोग जानते हैं कि जो राजा उस समय का होता था वो क्या करता था, अपने दरबारी कवि और राइटर को रखता था, तो वो लोग राजा की बातों को लिखते जाते थे। तो अकबर के ऊपर ही अकबर के दरबार में एक व्यक्ति थे, एक राइटर थे, जिनका नाम क्या था, अबुल फजल। क्या नाम था उनका, अबुल फजल। तो अबुल फजल ने क्या लिखा है, अकबरनामा। अबुल फजल ने क्या लिखा है, तो दो बुक लिखा है, एक लिखा है अकबरनामा और दूसरा लिखा है आईने अकबरी। ये दोनों याद रखना है, एक है अकबरनामा और दूसरा है आईने अकबरी। इन दोनों चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे, इन दोनों बुक को, तो हमें अकबर के राज्य में किस प्रकार के शासन व्यवस्था था, अकबर किस प्रकार से लोगों के साथ बिहेव करता था, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किस प्रकार बिहेव करता था, साथ ही साथ अकबर जो है वो उसकी सेना किस प्रकार की थी, अकबर टैक्स किस प्रकार से लेता था, अकबर के समय में व्यापारियों की क्या स्थिति थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो अबुल फजल जो उसके कवि थे, राइटर थे बोल सकते हैं, उनके द्वारा जो दो बुक लिखा गया, एक है अकबरनामा और दूसरा है आईने अकबरी, इन दोनों से हमें क्या मिलता है, इसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अबुल फजल के अनुसार, अगर अबुल फजल के बुक को पढ़ते हैं तो इनके अनुसार क्या करा है कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। क्या था कि अगर मान लीजिए ये क्या है, मुगल साम्राज्य है, तो मुगल साम्राज्य जो है वो कई प्रांतों में बटा था। हम लोग जानते हैं कि राजा जो है वो शासन व्यवस्था अच्छे से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो जो इसका साम्राज्य था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, सूबा, यानी कि एक सूबा, ये पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य हो गया और ये छोटा छोटा जो प्रांत बन गया इसको क्या बोलते थे, सूबा बोलते थे। क्या बोलते थे, सूबा। सूबा का मतलब क्या होता है, प्रांत होता है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसका प्रमुख जो होता था, यानी कि अब ये जो छोटा सा यहाँ पे लैंड दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, अगर इसका एक हेड होता था उसका, उसको क्या बोलते थे, तो सूबेदार बोलते थे। यानी कि जो सूबा का मालिक होगा, यानी कि सूबा का जो हेड होगा, सूबा की जो देख रेख करेगा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे बच्चों सूबेदार। तो वो क्या कहलाता था, सूबेदार, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों कार्य करता था। यानी कि अब यहाँ पे शासन व्यवस्था, कितना टैक्स लेना है, किसके साथ क्या व्यवस्था करना है, जनता के लिए क्या कार्य करना है, ये सब क्या कहलाएगा, राजनैतिक ताकत कहलाएगा, राजनैतिक शक्ति कहलाएगा, राजनैतिक कार्य कहलाएगा। वही अगर बात आ जाए, अगर राज्य को डिफेंड करने के लिए क्या करना है, सेना रखना है, सैनिक गतिविधि देखरेख करनी है, अगर अकबर मान लीजिए राजा जो सेंट्रल पोजीशन पे है, अगर वो कहीं युद्ध लड़ने दूसरे राज्य के साथ जा रहा है, तो इसमें अपना सेना लेकर के जाना है। तो एक तरीके से देखें तो जो सूबेदार होता था वो क्या करता था कि राजनीतिक के साथ साथ सैनिक दोनों कार्य करता था। और अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये क्या है, मुगल साम्राज्य है, तो मुगल साम्राज्य कितने हिस्सों में बटा था बच्चों, 15 सूबों में बटा था। कितने सूबों में बटा था, 15 सूबों में बटा था। ये आपको याद होना चाहिए कि अकबर का जो साम्राज्य था वो कितने सूबा में बटा था, 15 सूबा में बटा था। सूबा यानी कि सरकार में विभक्त, सूबा जो था वो किस में विभक्त था। अब देखो, ये हो गया सूबा, ठीक है, अब ये सूबा को भी छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिए, तो ये क्या बन गया, सरकार। सूबा किस में बटा हुआ था, सरकार में, जो आज के जिलों से कई गुना बड़ा होता था। यानी कि आज हम लोग जानते हैं कि एक क्या हो गया, देश हो गया, मान लीजिए ये देश हो गया, ठीक है, देश को छोटे छोटे भागों में बांटे तो वो क्या बन गया, राज्य बन गया। क्या बन गया, एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि ये मान लीजिए पूरा देश है, तो पूरा देश को अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा, राज्य। अब इस वाले हिस्से को उठाएंगे तो इसको अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा, जिला। ठीक उसी प्रकार से जो मुगल साम्राज्य का राजा होता था वो छोटे छोटे हिस्सों में अगर बटा हुआ तो ये क्या कहलाता था, सूबा। अगर सूबे को छोटे छोटे भागों में बांटे तो वो क्या कहलाता था, सरकार कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चों, सरकार। जैसे जिस प्रकार से हमारा देश को बांटे तो राज्य और राज्य को बांटे तो जिला, उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य के छोटे छोटे हिस्सों को बांटे तो सूबा और सूबे को बांटे तो सरकार बना। क्लियर हो गया। जो आज जिलों से कई गुना बड़ा होता था, और सरकार का मतलब क्या होता था, जिला, आज की तरह कई परगनों में विभक्त था। और जो जिला होता था वो किस में विभक्त था, तो परगाना में, परगाना मतलब प्रखंड में विभक्त था, यह भी आज के प्रखंड में काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो, मुगल मनसबदार, एक टर्म आता है मुगल मनसबदार, हमने मुगल प्रशासनिक स्थिति के बारे में जाना, अब हमें जानना है मुगल मनसबदार के बारे में कि मनसबदार कौन होते थे। अब देखो बच्चों, क्या है कि मुगल सम्राट कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन का काम देखने के लिए नियुक्त करता था। यानी कि मुगल जो सम्राट होता था, सम्राट मतलब राजा, सम्राट का मतलब क्या होता है बच्चों, राजा होता है।
तो जो मुगल राजा होता था वो क्या करता था कि कई अधिकारियों को और कर्मचारियों को क्या करता था कि प्रशासन का काम देखने के लिए नियुक्त करता था। बोलता था कि कैसी प्रशासनिक स्थिति चल रही है इसकी देखरेख कीजिए। इन अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? मनसबदार, यानी कि मुगल राजा के द्वारा क्या किया जाता था कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। किस चीज़ के लिए किए जाते थे? कि प्रशासनिक कार्य कैसा चल रहा है इस चीज़ की देखरेख करने के लिए जिन व्यक्तियों को मुगल सम्राट नियुक्त करता था। नियुक्त करना मतलब उसको काम पे रखता था, उसको क्या बोलते थे? तो मनसबदार बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? मनसबदार। पूरे मुगल साम्राज्य को हज़ारों छोटे बड़े मनसबदार थे, यानी कि पूरे मुगल साम्राज्य में हज़ारों जो हैं वो छोटे बड़े मनसबदार थे जो क्या करते थे, मुगल साम्राज्य में जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्रशासनिक गतिविधि है वो किस प्रकार चल रही है, उन सब चीज़ की देखरेख करने के लिए क्या नियुक्त किए जाते थे? मनसबदार। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे, यानी कि जो मनसबदार होते थे वो क्या करते थे कि अगर बादशाह मतलब जो राजा जो आदेश देता था या जो कानून बनाता था उसको लागू करवाने का काम करते थे। वे बादशाह के लिए सैनिक जिम्मेदारियों को भी निभाते थे, यानी कि अगर मान लीजिए राजा को, अकबर को ज़रूरत पड़ गया, हमें कहीं युद्ध लड़ने जाना है तो उसके लिए सेना चाहिए, तो सेना की जिम्मेदारी भी किनकी थी? मनसबदारों की थी। और क्या करें कि प्रत्येक मनसबदार को उनके जात के अनुसार पदक्रम एवं वरीयता प्राप्त थी, जबकि क्या बोल रहा है कि सवार के अनुसार एक निश्चित संख्या में सेना और उससे जुड़े साजो सामान को रखना पड़ता था। अब देखो, एक होता था कि जो मान लीजिए आप मनसबदार बने ना, तो आपको क्या काम होगा? पहला काम ये होगा कि आपके अंडर में आपके अंडर में जो भी कार्य दिया गया है, प्रशासनिक कार्य दिया गया, उसकी देखरेख कीजिए कि वहाँ पे किस प्रकार से कार्य हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये हुआ कि आपको एक लेवल तक, यानी कि मान लीजिए बोला गया कि आपको 1000 घुड़सवार सैनिक रखना है, क्या रखना है? 1000 घुड़सवार सैनिक रखना है, तब आपको ये पद मिलेगा, मनसबदार का ये पद मिलेगा। उसके अगर आप 500 घोड़ा रखते हैं, घुड़सवार सैनिक रखते हैं, तो आपको ये पद उससे कम हो छोटा वाला पद मिलेगा। मान लीजिए आप 10000 घुड़सवार सैनिक रखते हैं तो उससे बड़ा वाला मनसबदार बनिएगा। तो इस प्रकार से, और ये अगर मान लीजिए इस पोस्ट पे हैं तो आपको इतना मेंटेन करके रखना है, यानी कि 10000 घुड़सवार सैनिक आपको मेंटेन करके हमेशा ऑन टाइम रखना है। जब भी मान लीजिए बादशाह का आदेश हुआ, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, ले करके अपना घोड़ा टिकडुम पहुंचना पड़ेगा अकबर के सामने, या फिर जो भी मुगल सम्राट हुआ उसके सामने पहुंचना पड़ेगा कि जी हुजूर, हम यहाँ पे आ गए हैं, आप बोलिए किससे युद्ध लड़ना है। तो ये काम होता था मनसबदारों का होता था, ठीक है। अब देखो, इससे क्या हुआ कि इससे बॉक्स में समझाया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है इसमें क्या दिया गया है। देखो, मुगल मनसबदार जिनका 5000 जात का मनसब होता था उसे 30000 प्रति माह वेतन मिलता था। अब देखो क्या होता था कि अगर कोई मुगल मनसबदार है जिनका मान लीजिए बोला जाए कि 5000 जात का मनसब होता था, ये 5000 जात के मनसब है, तो अब अगर ये 5000 जात के मनसब है तब इसका मतलब क्या हुआ कि उसे 30000 प्रति माह वेतन मिलता था। कितना मिलता था? 30000 रुपया आपको बादशाह के द्वारा वेतन दिया जाएगा, 30000 रुपया, ठीक है। अब देखो, अगर 30000 रुपया मिल रहा है तो इसके बदले में इन्हें क्या करना पड़ेगा? फ्री में तो मुगल सम्राट पागल थोड़े है कि पैसा दे देगा ऐसे ही कि आप ले जाइए और आराम से रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए इनको कुछ काम करना पड़ता था। क्या था कि उन्हें 340 घोड़े क्या रखना पड़ता था? 340 घोड़ा, 100 हाथी रखना पड़ता था, 800 ऊँट रखना पड़ता था, और 100 खच्चर तथा 160 गाड़ियाँ रखनी होती थी। सोच के देखो, अगर आप 30000 वेतन ले रहे हैं तो आपको क्या रखना पड़ेगा? 340 घोड़ा रखना है, 100 हाथी रखना है, 800 ऊँट रखना है, और 100 खच्चर रखना है, ठीक है, तथा 160 गाड़ियाँ रखनी होती थी। इसके अलावा घुड़सवार एवं पैदल सैनिक भी रखने पड़ते थे। यह साधारण मनसबदारों के सैनिक दायित्वों को बताता है। तो ये देख सकते हैं कि मनसबदार हो गए तो इसका मतलब है आपको इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना है, जब भी राजा बोले तुरंत लेके चल देना है, नहीं तो पता चला कि मनसबदार हैं और सैनिके नहीं है, गायब है सैनिके, जी हुजूर बुला रहे हैं उसको, आएगा तब चलेंगे युद्ध लड़ने के लिए, तब राजा क्या करेगा, आपको दंडित कर देगा, बोलेगा अरे तुमको हम मनसबदार बनाए थे और तू तो इधर आराम से फोकट में पैसा ले रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। तब ये तो मनसबदारी व्यवस्था आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, राज्य में शांति बनाए रखने का काम भी मनसबदार करते थे। राज्य विस्तार करने के लिए बादशाह द्वारा लड़ी गई लड़ाई में ये लोग उसी सेना से सहयोग करते थे। मनसबदारों की कई श्रेणियां होती थी, अर्थात पद के आधार पर उनमें कुछ बड़े
कुछ मध्यम दर्जे का होता था तो कुछ छोटे होते थे। जैसे आज के अधिकारियों में भी इस तरह का विभाजन होता है। बड़े मनसबदारों को जिनकी संख्या बहुत कम थी अमीर कहा जाता था, यानी कि जो बड़े मनसबदार होते थे उनको क्या कहा जाता था बच्चों, अमीर कहा जाता था। अमीरों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। सोच के देखिए, हम लोग देखें ना कि जो जितना बड़ा मनसबदार होगा उसको उतना ही ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या करें कि 8,000 रुपया महीना से 45,000 रुपया महीना तक का वेतन प्राप्त करने वाला अमीर होता था। सोच के देखो, इसीलिए आज ये वर्ड यूज किया जाता है, अरे बहुत अमीर व्यक्ति है। अमीर मतलब वही अमीर, ये यहीं से अमीर आया है कि हम बहुत अमीर है वो बहुत गरीब है, तो अमीर यहीं से आया है। ये सोच करके देखो अमीर कहाँ से आया, ये जो वर्ड है अमीर, अमीर मतलब आज अमीर का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है, रिच के लिए किया जाता है। रिच मतलब जो धनवान है, जो पैसे वाला है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, रिच का यूज किया जाता है, और रिच मतलब अमीर भी बोलते हैं। तो यही जो अमीर है, सोच के देखो, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के कोई भी कर्मचारी को जितना वेतन अमीरों को मिलता था उतना वेतन आज तक, मतलब उस समय, सॉरी आज तक क्या, मतलब उस समय के समय में जब ये अमीरों को जिस समय वेतन मिलता था उस समय जितना पैसा अमीरों को मिलता था उतना दुनिया के कोई भी कर्मचारी नहीं था उस टाइम जो कि इतना पैसा मिलता हो। सोच के देखो 45,000, आज भी 45,000 लोगों को मिलता है। आज भी 45,000 क्या है, मतलब एक तरीके से देखा तो अच्छा खासा इनकम है, और ये उस समय की बात हो रही है। सोच के देखिए कि 1500-1600 ईस्वी की बात हो रही है, उस समय 45,000 वेतन उठाना बहुत बड़ी बात होती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता था, अमीर को मिलता था। तो इसीलिए ये जो वर्ड है अमीर, ये यहाँ पे आज भी यूज किया जाता है कि अरे वो तो बहुत अमीर है। अमीर मतलब मतलब बहुत रिच है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि अमीर क्यों यूज किया जाता था, आज क्यों यूज किया जाता है। अमीर का मतलब धनी होता है। धनी क्यों होता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता था। निम्न स्तर के मनसबदारों को के नगद वेतन मिलता था, मगर उच्च स्तर के जो मनसबदार होते थे उनको जागीरें प्रदान की जाती थी। अब ये जागीर का मतलब क्या हुआ, जागीर का मतलब ये हुआ, सोच के देखो, ये है मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल सम्राट है, मुगल साम्राज्य, तो अगर मुगल राजा का ये साम्राज्य है तो इसके अंदर जो भी लैंड होगा वो किसका होगा, मुगल साम्राज्य का भी कुछ लैंड होगा, कुछ पर्सनल व्यक्ति का होगा। तो मान लीजिए जो सरकारी, यानी कि अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का मान लीजिए ये जो लैंड है, सोच के देखो कि ये मुगल साम्राज्य का राजा का खुद का अपना ज़मीन है। अब इसके अंडर में जो अधिकारी काम कर रहा है, तो राजा क्या करता था, या तो डायरेक्ट उनको कैश दे देता था, यानी कि जो छोटे मनसबदार होते थे उनको क्या करता था राजा, टैक्स दे देता था, सॉरी डायरेक्ट कैश दे देता था कि लो भाई अपना खर्चा वर्चा चलाओ। लेकिन जो बड़े मनसबदार होते थे उनको तो ज़्यादा पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, तो ज़्यादा पैसा तो राजा दे नहीं पाता था, तो क्या करता था कि एक काम करो भाई, तुम बड़े मनसबदार हो तो एक काम करो, ये जो लैंड है ना ये आप अपने पास रखो, और इसके अंदर जो भी उपज होगा इसका अपना या तो खुद करो या फिर अपने किसानों से करवाओ, और उसका टैक्स तुम लेना, हमको मत देना, ठीक है, इससे अपना खर्चा निकाल लेना। तो ये जो लैंड हुआ ना, ये जो क्षेत्र हुआ जो इसके अंडर में राजा के द्वारा दिया गया, इसी को क्या बोलते थे, जागीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जागीर। क्या बोलते हैं, जागीर। अब आज भी यूज़ किया जाता है कि तुम्हारे बाप का जागीर है, देखते हो ना, अगर कोई बोले कि अरे तुम यहाँ से निकलो तो क्या बोलता है कि तुम्हारे बाप का जागीर है, मतलब क्या है, यही जागीर कि तुम्हारे अपना पर्सनल ज़मीन है, मतलब जागीर कहने का मतलब यही हुआ। तो ये होता है, ठीक है, आज भी हम लोग जागीर का यूज करते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी कि वेतन के रूप में जो लैंड दिया जाता था, इस व्यवस्था को क्या बोलते थे, जागीरदारी व्यवस्था कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चों, जागीरदारी। और जो व्यक्ति को ये जागीरें प्राप्त प्रदान की जाती थी उसको क्या बोलते थे, जागीरदार बोलते थे। क्या बोलते थे, जागीरदार, ठीक है। अब देखो, जागीर के अंतर्गत इन्हें निर्धारित लगान वाली भूमि आवंटित की जाती थी, जिसकी लगान ये प्राप्त कर अपना खर्च पूरा करते थे। यानी बताए ना कि राजा बोलेगा कि ठीक है यहाँ से टैक्स तुम वसूल लेना, हमको नहीं देना, यही हो गया अपना वेतन ले लेना, ठीक है, इस तरीके से। अकबरनामा और आईने अकबरी, ठीक है। अब देखो, मनसबदारों का जो प्रशासन में क्या स्थान है इसके बारे में बताने के लिए जात और सवार नामक दो संख्य सूचक शब्द अपनाए गए। अब कौन सा मनसबदार किस पोजीशन पे है ये हम कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए दो शब्द का यूज किया गया। पहला तो जात, पहला क्या यूज किया गया, जात, और दूसरा जो वर्ड यूज किया गया वो कौन था, सवार। ये दोनों का मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखो, इसमें जात की संख्या जितनी अधिक होती वह उतना ही बड़ा अधिकारी माना जाता था। जैसे अगर एक व्यक्ति है जिसको बोला गया 500 जात का ये अधिकारी है, 500 जात, ये कास्ट वाला मत समझना, ठीक है। आज जो हम लोग कास्ट के लिए यूज किए करते हैं जात, वो जात ये नहीं है,
ये दूसरा जात है, ठीक है। तो अब देखो, अगर कोई बोले कि 500 जात है और एक है 100 जात, तो इसमें से कौन सा बड़ा अधिकारी माना जाएगा, बताओ, बताइए कि कौन सा बड़ा अधिकारी माना जाएगा, 500 जात वाला या फिर 100 जात वाला। तो जो 500 जात का अधिकारी होता था उसको बड़ा माना जाता था। अगर इसी में 1000 जात वाला आ जाए तो वो क्या कहलाए, वो इससे बड़ा होगा, 500 वाले से 100 वाले से बड़ा होगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और वही अगर बात करें अधिकारी माने, उसी के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाता था, यानी कि जो जितना बड़ा जात का पोस्ट है वो उतना उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। इसी तरह सवार की भी संख्या निश्चित होती थी, जिसके अंतर्गत किसी मनसबदार को कितना पैदल सैनिक, कितने घोड़े और सवार तथा कितना हाथी रखना है, यह तय किया जाता था। तो सवार के अनुसार कि कितना सवार है इसके पास, कितना सवार मतलब कितने इसके पास सैनिक है, ठीक है, चाहे वो घुड़सवार सैनिक हो गए, कितने पैदल सैनिक हो गए, कितने हाथी वाले सैनिक हो गए, इन सब चीज़ों का मतलब एक लेखा जोखा राजा के द्वारा रखा जाता था और यह तय किया जाता था। मनसबदारों को वेतन के रूप में भूमि दिया जाता था। तो जो मनसबदार होते थे उनको वेतन के रूप में क्या दिया जाता था बच्चों, भूमि, जिससे वे क्या करते थे, राजस्व। मतलब हम लोग बताए भी थे पिछले वीडियो में, राजस्व का मतलब क्या होता है, टैक्स। राजस्व का मतलब क्या होता है, टैक्स। टैक्स मतलब क्या बोलते हैं, टैक्स का मतलब कर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं, ठीक है। मनसबदारों को दी गई भूमि जागीर कहलाती थी। इसमें जमीन से प्राप्त आमदनी का आकलन ठीक से किया जाता था ताकि मनसबदारों के लिए निर्धारित वेतन उससे प्राप्त हो जाए। इस तरह मनसबदार जागीरदार भी बन जाते थे। इनका पद वंशानुगत नहीं था। मनसबदारों की जो नियुक्ति होती थी वो राजा के द्वारा की जाती थी। अब देखो, अब मान लीजिए आपको ये भूमि मिला, तो आपको किस चीज़ के लिए मिला, आप राजा के लिए काम कर रहे हैं, राजा कहीं युद्ध लड़ने जाएगा तो आप अपना सैनिक लेकर के जाइएगा, ठीक है। और ये जो सैनिक होगा इसका वेतन आप दीजिएगा, न कि राजा देगा। ये जागीर क्यों दिया गया है, ये जो लैंड का टुकड़ा है ये क्यों दिया गया है, इसी के लिए दिया गया है कि आप यहाँ से टैक्स क्या कीजिए, फसल उपजाइए, टैक्स वसूलिए और अपना देख रेख कीजिए खुद, और जब भी राजा को ज़रूरत पड़े। तो ये क्या कहलाता था, जागीर कहलाता था। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहलाते थे, जागीरदार। और ये जो है वो इनका पद वंशानुगत नहीं था, यानी कि अगर आप जागीरदार हैं, अगर आप मनसबदार हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा भी जो क्या बनेगा, मनसबदार बनेगा। क्योंकि मनसबदारों की जो नियुक्ति होती थी वो कौन करता था, राजा करता था। देखता था कि इसके पास कितने घुड़सवार सैनिक है, कितने घोड़ा वाले सैनिक है, सॉरी ऊँट वाले सैनिक है, हाथी वाले सैनिक है, कितने पैदल सैनिक है, इसके अनुसार क्या किया जाता था, ये डिसाइड किया जाता था। अब देखो, इसमें प्रांत प्रमुख, सूबेदार और मनसबदारों की जो है वो सिफारिश भी चलती थी। यानी कि मान लीजिए कोई प्रांत प्रमुख है, वो बोल दिया कि महाराज इसके पास इतना सैनिक है, इसके पास जो है वो इतने घुड़सवार सैनिक है, इतने पैदल सैनिक है, इनको क्या बना दिया जाए, मनसबदार बना दिया जाए। तो चलता था, चलो बोला ठीक है बना देते हैं। ज़्यादातर मनसबदार अपने जीवन काल में प्रयास करते थे कि किसी तरह वे अपने लड़के को भी मनसबदार बना दे। इसलिए प्रभावशाली लोगों को कीमती उपहार भी उनके द्वारा दिया जाता था। देखता था कि अरे हम तो बन गए, हमारे बचवा के बना दीजिए, महाराज हमें क्या कीजिए, हमको तो मनसबदार बनाइए दिए हैं, हमारे बच्चों के क्या कर दीजिए, तनि मनसबदार बना दीजिए, जिसका इसका करियर बन जाए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, राज्य की आमदनी खेती बाड़ी और किसान, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करा है कि राज्य की आमदनी मुख्य रूप से खेती की उपज पर जो कर लिया जाता था उससे होता था। यानी कि जो राजा को आमदनी कहाँ से होता था, तो जो खेती होता था ना उसके उपज से जो टैक्स लिया जाता था उसी से होता था। खेती का काम छोटे किसानों द्वारा किया जाता था। किसानों से कर गांवों में रहने वाले ग्राम प्रमुख या फिर स्थानीय सरदारों द्वारा लिया जाता था। किसानों से उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसे अकबर के राजस्व मंत्री जो कौन होते थे, टोडरमल होते थे। यानी कि अकबर का जो टैक्स मिनिस्टर था वो कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, कि अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर या जो राजस्व मंत्री होते थे, रिवेन्यू मिनिस्टर होते थे, उनका क्या नाम था, तो राजा टोडरमल। ये आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछेगा कि राजा टोडरमल जो थे वो कौन थे अकबर के, तो वो राजस्व मंत्री थे, वो तय कर देते थे। उसने खेती लायक भूमि का सर्वेक्षण किया और उसी के आधार पर नगद के रूप में जो कर तय किया गया था, यह मोटा मोटी उपज पर 3 से 6 भाग होता था। जमीन को 4 भागों में बांटा गया था। अब देखो, मुगल साम्राज्य में जो भूमि होता था, अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए ये इंडिया है, एक तौर पे मान करके देखते हैं कि ये कोई कंट्री है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही तरीके का भूमि होगा, कहीं कोई भूमि ऐसा होगा जो पहाड़ी इलाका होगा, कोई समतल मैदान होगा जहाँ से नदी निकलती होगी, सिंचाई का प्रॉपर व्यवस्था होगा, कोई भूमि ऐसा होगा जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, कहीं बारिश बहुत अधिक होता है,
तो जहाँ पे बारिश कम होगा वहाँ पे कृषि तो अच्छे तरीके से होगा नहीं। तो इस आधार पे जो टुडरमल थे, यानी कि इसका जो अकबर के जो क्या बोलते हैं राजस्व मंत्री थे टुडरमल, वो क्या किए, वो सभी चीज़ों का सर्वेक्षण किया। क्या किया, सभी चीज़ों को सर्वेक्षण किया, सभी भूमि का देखा कि कौन भूमि पे कितना उपज हो रहा है। उसके हिसाब से ज़मीन को उन्होंने क्या किया, चार भागों में बांटा। सबसे अच्छा जो भूमि होता था उसको क्या कहा जाता था, पोलज कहा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पोलज भूमि होता था उसको वो सबसे अच्छा होता था, यानी कि कृषि इस पर बहुत अच्छी बढ़िया होगा, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, जिस पर हर साल खेती होती थी उस भूमि को क्या बोलते थे, पोलज भूमि। परती जिसमें एक साल के अंतर पर खेती होती थी उसको परती भूमि, और चाचर जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती थी, और बंजर लंबे समय तक बिना बुआई वाली जो ज़मीन होती थी उसको बंजर बोलते थे। तो ये चार तरीके के भूमि हो गए। कौन कौन हो गए, पहला हो गया पोलज, पोलज भूमि, पोलज जिस पर हर साल खेती होगा। दूसरा हो गया परती भूमि, दूसरा कौन है क्या, परती भूमि। तीसरा हो गया चाचर भूमि, तीसरा कौन हो गया, चाचर भूमि। और चौथा हो गया बंजर भूमि। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पोलज जिस पर हर साल होगा, बंजर जिस पर एक साल गैप करके होगा, चाचर जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होता होगा, और चौथा है बंजर जिस पे लंबे समय तक बिना बुआई वाला ज़मीन है उसको बंजर बोल देते हैं। और लगान भी इन पर अलग अलग था, जाहिर सी बात है कि अलग ही होगा, क्योंकि जो पोलज है जिस पे हमेशा कृषि हो रहा है इस पे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, और जहाँ पे नहीं हो रहा उस पे कहाँ से टैक्स मिलेगा। तो राज्य खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऋण सहायता देता था तथा सिंचाई के साधनों को निर्मित करता था। किसान मुख्यतः क्या उपजाते थे, तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और कुछ सब्जियां उपजाते थे। जैसे 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 राज्यों का विस्तार होता गया उसका खर्च भी बढ़ता गया, और पूरा करने के लिए किसानों के ऊपर लगान का बोझ बढ़ गया। इस कारण किसानों के हालात और ख़राब हुए, जिनके पास लगान देकर कुछ बचता नहीं था वे अगले साल तक क्या कर रहा है कि जिनके पास लगान देकर बहुत कुछ बचता नहीं था जिससे वे अगले साल तक बचा करके रख सके। तो एक तरीके से देखें तो इस समय तक जो किसानों की हालत थी वो क्या थी, बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि सब लोग इनको क्या करते थे, लूटते थे, क्योंकि आय का दूसरा साधन बहुत ही कम था। कोई भी राज्य था उसका आय का साधन सिर्फ और सिर्फ मुख्य जो साधन था वो कौन था, कृषि था। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा में हो गया, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, व्यापार हो रहा है तो इससे बहुत अधिक मात्रा में टैक्स आएगा राजा को, ऐसा कुछ नहीं था। मुख्य जो टैक्स का जो जरिया था वो कौन था, कृषि ही था। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आम लोगों का जीवन, यानी कि मुगल साम्राज्य में जो आम लोग थे, जो आम जनता थी, उनका कैसा जीवन था, वो लोग क्या करते थे अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर करने का बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग शेयर करना ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, जहीं जहाँ कहीं भी हो हेल्प हो सके उन लोगों को कीजिए, उन लोगों को इस वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ठीक है, बाय।